Hi guys, this is Ankara from Genera Study Channel. Don't mug up, try to build a phenomenological study. तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपी जो फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसका करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी में आपको वन संरक्षक का हुआ था पेपर उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको बिहार एसएससी का भी पेपर हो गया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हरियाणा वाला भी पेपर डिस्कस है, उसको भी हम लोग करेंगे। जो जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, यही क्वेश्चन क्या होंगे, बार बार एग्जाम में रिपीट होंगे, तो हम लोग इन्हीं क्वेश्चन का रिविजन कर लेते हैं। तो चलिए, आज यूपी स्पेशल है तो यूपी के बारे में कुछ जानते हैं। यूपी का कैपिटल लखनऊ है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उसका उनका नाम क्या है जी, उनका रियल नेम है अजय सिंह बिस्ट नाम है। डिप्टी सीएम कौन है, केशव प्रसाद मौर्य है। गवर्नर कौन है जी, तो राम नाइक है। चलिए बात करते हैं, तो यूपी में बहुत सारे नाम भी चेंज हुए हैं, जैसे फैजाबाद को नाम अयोध्या कर दिया गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाएगा जी। कुछ नाम इसमें बाद में भी करे जाएंगे, मैं इसको पहले ही ले लिया रहा हूँ जी। और उसके बाद महायोगी गोरखनाथ जो एयरपोर्ट है उसका नाम महायोगी गोरखपुर एयरपोर्ट नाम किया जा रहा है उसका। और उसके बाद बात की जाए अटल चौक, हजरतगंज चौराहा जो लखनऊ में है उसका नाम अटल चौक कर दिया गया है। उसके बाद और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उसका भी नाम कर दिया गया जी, अटल पथ कर दिया गया। तो ये यूपी के बारे में था। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और उससे हम लोग क्या करेंगे जी, देखेंगे। तो क्वेश्चन है आज, पहला क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओवर दिल्ली। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड कौन सा था जी, तो बात किया जाए उत्तर प्रदेश में तो 1296 से लेकर 1316 तक क्या था उत्तर प्रदेश में, किसका था जी, अलाउद्दीन खिलजी का था। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा इसमें ए नंबर। बात की जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका के प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो बात की जाए, देखिए कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का कृषि स्रोत है, तो 58% जो भारतीय है उनका खेती पे ही डिपेंडेंट है जी। तो ऐसे एक्चुअली पहले तो ये आपको 70% था, अब क्या हो गया जी, आपको आप गवर्नमेंट के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 58%। अलाउद्दीन खिलजी के एक और क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया था, हौज खास को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया जी। अलाउद्दीन खिलजी को ही एक अमीर खुसरो क्या थे उसके राज दरबार में थे। तो ये क्वेश्चन आपको जो 81 नंबर क्वेश्चन है उससे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। और बात की जाए तो ये आपका 58% हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 10-10 सांसद का समर्थन आवश्यक है। तो देखिए न्यूनतम कितने समर्थक है जी, 50 की आवश्यकता है। निम्नलिखित में किस संस्था ने भारतीय और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा के सहयोग बढ़ावा के लिए फ्रांस बिजनेस समझौता के MOU का हस्ताक्षर किया है। तो देखिए MOU फ्रांस और इंडिया के बीच हुआ है, इन्वेस्ट इंडिया के तहत हुआ है। पाल साम्राज्य का भारत से किस हिस्से में संबंधित है जी, तो पाल साम्राज्य भारत के आपको किस हिस्से में स्थित। अगले क्वेश्चन देखते हैं, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, तो पाल साम्राज्य जो है आपको भारत में राज किया है, और ये देखा जाए तो हमारे बोला पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी और उत्तरी किस सूरत में है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको पूर्वी हिस्से में जी। चलिए, हाउ मच 2017-18 का भारतीय दौरान खाद्यान्न का उत्पादन, देखिए ये जो कोई भी लड़का क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली नहीं याद करने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जी, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन सबको ही रिजेक्ट करता है क्योंकि सबको डाटा नहीं याद कर सकता जी। तो ये क्वेश्चन अजीबो गरीबो है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है जी, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बाजू भाई वाला है।
वाजुभाई वाले हैं जी। कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के स्वामी है जी, येडियुरप्पा स्वामी है कुछ। 2017 में भारत में पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितना हुआ? तो पहले कितना था जी? तो 60 था, अब कितना हो गया? 57 हो गया। तो अब कितने पायदान में किसका है जी? 3 पायदान किसका है जी? बात की जाए केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल में ही डैश को परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस को लिया गया। तो सेल जो है उसको पेट्रोलियम में क्या किया गया जी? इंक्लूड कर दिया गया। देखिए सेल जो है आपको एक तरह का ये भी क्या जी? ऑयल ऑयल है। खिज्र खान बिलोंग्स टू विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी? तो खिज्र खान किस राजवंश से बिलोंग करते हैं जी? तो खिज्र खान आपको सैयद वंश से बिलोंग करते हैं। खिज्र खान सैयद बिलोंग के संस्थापक थे। 2017-18 में फल उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है जी? तो भारत का दूसरा स्थान है। फर्स्ट किसका है? चाइना का है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड आपको नॉर्थ अटलांटिक में है जी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य देश में भगाने वाले आर्थिक अपराधियों के अभियोजन पक्ष से बचने से अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा डैश को अध्यादेश प्रस्तावित करेगा। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश दिए थे अप्रैल 2018 में उसको क्या कर देगा? प्रत्यादेश कर देगा। टीटस से घोषणा, उसने कैंसर विरोधी दवाओं समेत भारतीय दवाओं को टैरिफ कम करने के भारत को समझौता दिया है, चीन ने दिया है। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक काम करेंगे। पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया गया था। 12वीं शताब्दी में आरंभ में दिल्ली के किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी में देखिए ऐसे इसमें आप देखिए 736 से 1160 तक है, तो यानी 12वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 1101 से लेकर 1100 तक 99 तक। तो इसमें आप देख लीजिए किसका है जी? तो तोमर डायनेस्टी का है, लेकिन लास्ट में कौन है जी? तो चौहान्स का है। तो इसमें आंसर तोमर वंश हो जाएगा। भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने फसल क्षेत्र को फसल क्षेत्र को फसल बीमा योजना के तहत संरक्षित करना है जी? तो कितना हो जाएगा इसका? 50% इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि LIC इंश्योरेंस कराना जी बहुत नेसेसरी है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो देखिए गैर एशियाई बताना है तो इसमें आपको हो जाएगा अकोंकागुआ पर्वत। देखिए इसमें सारे पर्वत जो है किसी न किसी कंटिनेंट के क्या है जी? हाइएस्ट पर्वत है। तो अकोंकागुआ इसका आंसर है, क्योंकि गैर एशियाई बताना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिरोध विधेयक 2018 को निरोधित करने वाले निविन संधि कौन सा संशोधन को रिप्लेस करेगी? तो 1958 को करेगी जी। क्वेश्चन नंबर आपको 101 क्या जी? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुआ था? 2003 को हुआ था जी। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कामांगे के बीच प्रतिमंडल स्तरीय वार्ता के कितने समझौते हुए? तो कितने समझौते हुए जी? आप देख सकते 8 समझौते हुए जी। बात की जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितने राशि नियोजित की गया? तो 50,000 करोड़ रुपये किया गया। खरीफ फसल नहीं है जी, कौन है? तो खरीफ फसल आपको बात की जाए यानी रबी फसल गेहूँ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? खरीफ नहीं होगा वो। आगे सब क्या है जी? खरीफ फसल है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और बात की जाए तो एक क्वेश्चन ऑफ द डे है आपको, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा जी। तो चलिए जी आज डिस्कस कर लेते हैं बाकी सब क्वेश्चन को। बोल रहा है संसद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए। देखिए स्टेट बैंक की बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, तो ये फिर से महिला बैंक है, ये सब क्या किए हैं जी? मर्ज हुए हैं। वहीं बोल रहा है स्टेट बैंक के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज किया गया है? तो कितने? 6 बैंकों को मर्ज किया गया है। रवांडा सरकार के ग्रीका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुवांडा गाँव को ग्रामीणों को कितनी गाय दिए? तो 200 गाँव को उपहार किए। देखिए आपको ग्रीका कार्यक्रम की तरह हुआ है, उसमें 200 गाँव भेंट दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊँचा वाला झरना है? तो सबसे ऊँचा वाला झरना कौन है जी? तो एंजील है। कौन है? एंजील है। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय का मतलब है जी? पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, चौहान को पराजित हुआ था, तो क्या हुआ था? 1191 था। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत भारत के कुल तटीय, देखिए बात की जाए इंडिया का कुल तटीय का लगभग कितना है? तो देखिए 6500 है स्थल से
और 7500 टोटल है, अंडमान निकोबार और मेनलैंड से दोनों मिला देने में क्या होता है वो 7500 किलोमीटर हो जाता है जी, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर मेनलैंड से पूछेगा तो आप 6500 किलोमीटर 6200 समथिंग यानी 6500 के बीच आप मारिएगा उसको, ठीक है लगाइएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था जी, तो ये आपको आंसर हो जाएगा 1398। देखिए 40 साल वाले क्वेश्चन जो है इसमें कंपटीशन उससे ज़्यादा डिसाइड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको मान याद कर लीजिएगा जी, क्योंकि तो जो क्वेश्चन आजकल देखा जा रहा है जो भी हार्ड टॉप बनाना है वो क्या कर रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंदू तो किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा गहरा है सुंडा ट्रेंच है जी, कौन सा है सुंडा ट्रेंच है, और मरियाना ट्रेंच क्या है जी, ओवरऑल क्या है जी, गहरा है पॉइंट, तो इसका सुंडा ट्रेंच आंसर हो जाएगा। बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो बौद्ध के लिए सारनाथ में क्या हुआ था, पहला शर्मन आपने कहाँ दिया था, मां बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला शर्मन वहीं दिए थे, तो आंसर डी हो जाएगा। बोल रहा है अवध के निभिन निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बनाया था? तो असफ उल दौला ने बड़ा इमाम बनाया था जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगतवादी थे? तो शाह नाइक है। अलीगढ़ मुस्लिम की किसने बनाया था? सैयद अहमद खान ने बनवाया था। प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं ये किस जिले में स्थित है? तो सोनभद्र जिले में आपको स्थित है जी। निम्नलिखित में कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा, तो फिरोजाबाद है जी। और फैजाबाद का नाम अभी करके क्या कर दिया गया है जी, फैजाबाद का नाम अभी अयोध्या कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा फिरोजाबाद फैजाबाद थोड़ा सा सिमिलर नाम है, इससे क्या होती है कन्फ्यूजन आ जाती है जी। तो हमारा जो आंसर है कौन सा जी, फैजाबाद है। कितने प्रतिशत अधिक ग्रामीण क्षेत्र है? तो बात की जाए जनसंख्या के अनुसार कितने ग्रामीण है जी उत्तर प्रदेश में, तो ये है 77.73% है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो देखिए चारकुला है, मयूर नृत्य है, रासलीला है, कठपुतली नाच आपको नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन है? तो लंबा कांड की बात किया जाए तो बाल कांड सबसे ज़्यादा है, और किष्किंधा कांड की बात की जाए तो किष्किंधा कांड क्या है सबसे छोटा कांड है। तो किष्किंधा कांड में आता है जो सुग्रीव बाली और राम जी के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें किष्किंधा कांड जो सबसे छोटा कांड है जी, जिसमें सिर्फ 20 लाइन ही या श्लोक लिखे गए हैं कुछ ऐसा ही है जी। और बालकांड सबसे क्या है जी, लंबा है, रामचरितमानस में लंबा कांड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीजक के कबीरदास लिखक है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा जो है अंधेर नगरी इसके लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था जी। देखिए तो हमारे हिंदी कवित्री में चार है जी, एक दिन दिन इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है जी? देखिए तो इसमें है आपको गुरु नानक देव का जन्म जो 550वीं घटा हुआ कि 2018 मनाया गया, तो आप 518 घटाएगा तो आपको आज जाएगा 1500 समथिंग, जो क्या है जी 1400 समथिंग जाएगा, जो भी है तो 550 घटाइएगा तो उसमें देखा आपको बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गुरु नानक देव जी का जन्म 1506 वाला, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या है जी, बी गलत है। इनमें से किस महाद्वीप का सवाना घास मैदान में नहीं है जी? तो बात की जाए तो सवाना घास आपको अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिर से दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन यहाँ पर केवल अमेरिका लिखा है, फिर से यूरोप में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, तो आंसर हमारे अनुसार यहाँ पे बी जाना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका को मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका है लिखा हुआ, तो आपका आंसर हमारे अनुसार बी जाना चाहिए जी। इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग भी थोड़ा इसको देख लीजिएगा। इसमें से किस भारतीय राज्य ने 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? देखिए सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी किसका है जी, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, तो इसमें सबसे कम किसका होगा, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा जी। इसमें से विटामिन डी की कमी के कारण खासकर युवा में समाधान के लिए खाद्य सुरक्षा सम्मानक प्राधिकरण CRT NDMC उत्तरी MCDA स्कूलों में जो किए इसके लिए क्या किया गया है? देखिए बच्चों में विटामिन डी की कमी को ऐसे क्या होता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहा गया कि जो आपको प्रोजेक्ट धूप चलाया गया इसके तहत क्या हो जाएगी, दोपहर में जो होगा आपको जो PT होता है, जो एक्सरसाइज होता है स्कूलों में, वो किया जाएगा आपको
दोपहर में किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको विटामिन डी मिलेगी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है जी, तो बच्चों में रिकेट्स होता है। और इसको बात की जाए तो अगर यूथ में, तो यूथ में क्या होता है जी, तो ऑस्टियोलोमा होता है, यानी ऑस्टियो मनी हड्डी से रिलेटेड बीमारी होती है। तो इसलिए विटामिन डी अगर बात की जाए तो इंडिया में तो आपको विश्वत जो आपको विश्वत के आसपास रखा है उसमें तो ज़्यादा मिलता है, फिर भी लेकिन विटामिन डी की कमी से आप लोग बात किया जाए तो यहाँ पे 80% लोग क्या होते हैं जी, विटामिन डी की कमी पाया जाता है। आज क्वेश्चन ऑफ डे है, 4 दिसंबर में भारत को 2018 को भारत को कौन सा नौसेना दिवस मनाया गया है, एक क्वेश्चन ऑफ डे है इसका, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और अगले बार हम लोग फिर से मिलते हैं नए एग्ज़ाम का। अभी आपको भी पता है हरियाणा वाला भी, बिहार पुलिस का, बिहार SSC भी हुआ उसका भी, और ये सबका डिस्कस करना है, सब लोग को पेपर डिस्कस करके उसके बाद हम लोग फिर से ग्रुप डी वाले भी पेपर डिस्कस करना है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। चलिए ग्रुप डी के बात की जाए क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन ग्रुप डी की बात किया जाए तो इसमें आपको क्वेश्चन आया हुआ है जी, जो ग्रुप डी ALP में आया उस क्वेश्चन को भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग एक्चुअली ये जो भी डिस्कशन चल रहा है सीरीज, इसमें हम लोग केवल जो भी पेपर है करंट के, जो भी पेपर आए हुए हैं उन्हीं पेपर का डिस्कशन करते हैं जी। और आपके पास भी अगर आप भी अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपके पास भी कोई पेपर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझे भेज सकते हैं जी। मेरा ईमेल लिखा हुआ है निशांत राज, और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मुझे मेल पे भेज दीजिएगा, जिससे हम क्या करेगा हम पेपर को एनालिसिस कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कभी कोई पेपर का हमको PDF नहीं मिल पाता है तो हम उसका वीडियो नहीं बना पाते हैं जी। तो इसलिए हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग जो भी पेपर का दीजिए एग्ज़ाम, अगर आपके पास पेपर है तो उसको भी या हाथ से ही लिख के, आप अगर याद आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं स्कैन करके भेज सकते हैं जी, जिससे मैं उससे कम से कम एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन को तो डिस्कस कर लूँगा, जिससे क्या हो जाएगा आप सबको हेल्पफुल हो जाएगा जी। तो डी का वाला बात करते हैं, मुगल सराय का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2018 का अवार्ड किसको मिला है जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड 2018 का, अब इसमें ये बताया नहीं गया है, इस लड़का ने बताया नहीं था कि कौन सा अवार्ड है, तो चलिए इसको हम लोग बाद में देख लेंगे जी। अगर ये नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड होगा तो किसको मिला है जी, तो चलिए इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। आईफा का किसका ये नहीं बताया गया है। मुंबई की बारिश किस घाट की वजह से नहीं होती, बात कीजिए, देखिए मुंबई के मुंबई में बारिश जो आपको बात कीजिए, पुणे वगैरह में बारिश होता है लेकिन मुंबई में नहीं होता है, तो क्यों होता है, तो पश्चिमी घाट की वजह से नहीं होता है जी। मुंबई में बारिश किस घाट की वजह से होती है, अच्छा जी, फरवरी 2018 में भारत की रैंकिंग क्रिकेट में, देखिए फरवरी बात की 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो देखिए इसमें एक जो क्वेश्चन हमको नहीं मिला था लेकिन हम बात कर लेते हैं, सबका बात कर लेते हैं कि टेस्ट में इसका 1 रैंक है, ODI में 2 रैंक है, और T20 में क्या है जी, 2 रैंक है, तो टेस्ट में इसका 1 है इंडिया का, तो हम लोग तीनों डिस्कस कर लेते हैं। विनर ऑफ ताल मेमोरियल रैपिड चेस टूर्नामेंट जो मॉस्को में हुआ था 2018 में हुआ था, क्या जी, विनर ऑफ ताल मेमोरियल रैपिड चेस चैंपियन टूर्नामेंट, यानी सबसे तेज चैंपियन बनने वाले जी कौन है थे, तो विश्वनाथन आनंद है। नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 किसने लॉन्च किया, नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 किसने लॉन्च किया था, यूनियन मिनिस्टर किए हैं कौन जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने किया है। नॉर्थ ईस्ट मिशन 2022 किसने किया, तो रविशंकर प्रसाद ने किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री, केरल में स्वास्थ्य के लिए कोई योजना चलाई गई है, उस योजना के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जी। 2017 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर जीता है जी, इंडिया जीता है, पाकिस्तान को हराया था इसमें, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप था। क्रोएशिया का कैपिटल क्या है जी, तो जग्रेब है, क्रोएशिया का कैपिटल क्या है जी, जग्रेब है। अभी ऐसे क्वेश्चन थोड़े अनप्रडिक्टेड है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन एक्टर एज ए विनर ऑफ द स्पेशल आइकन अवार्ड एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द लंदन, देखिए बोल रहा है कि लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल आइकन अवार्ड मिला है क्लोजिंग सेरेमनी में, तो किस इंडियन एक्टर को मिला है, तो ये इरफान खान को मिला है, ये अच्छा अवार्ड है जी, और इरफान खान बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड ही रिसीव करते हैं, देखिए इनको बहुत अच्छा अवार्ड मिला है, क्या मिला है, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसको कभी कभी लाइफ भी बोला जाता है जी, याद रखिएगा लाइफ भी बोला जाता है, लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल का आपको स्पेशल आइकन अवार्ड मिला है इरफान खान को। यंगेस्ट फीमेल ऑफ द क्लाइम
माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऐसी कौन सी फीमेल है जो यंगेस्ट है और क्लाइम की है माउंट एवरेस्ट पे, तो कौन है जी, मलावत पूर्णा है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है। दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल है। पंजाब के CM कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है जी। संपदा योजना किससे रिलेटेड है, संपदा योजना आपको एग्रीकल्चर एग्रो मैरिन एरिया से रिलेटेड है। एग्रो मैरिन का मतलब क्या है जी, एग्रीकल्चर और मैरिन यानी ओशियन से रिलेटेड है। हॉकी 2018 कहाँ है जी, तो हॉकी 2018 जो गेम होगा वो कहाँ खिलाया जाएगा जी, तो ये आपको उड़ीसा में होगा जी। राणा प्रताप डैम कहाँ है, तो चंबल नदी पर है जी। कालिदास अवार्ड किसको मिला है और फीफा अवार्ड किसको मिला है जी, कालिदास अवार्ड और फीफा अवार्ड किसको मिला है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा जी। गोल्डन बूट अवार्ड तो हरिकेन को मिला है, गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला है, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला है जी। तो हरिकेन को मिला है गोल्डन बूट अवार्ड और गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे जी। सऊदी अरब का कैपिटल कहाँ है, तो रियाद है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। मणिकरण प्लांट कहाँ है जी, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे क्या है जी, मणिकरण प्लांट के लिए क्या है जी, फेमस है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ।